गाइज, अगर आप लैक्टो कैलामाइन के फ़ैन रहे हैं, आपकी स्किन टाइप ऑयली है, आपके एक्ने भी होते हैं, तो आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए, बिकॉज आज हम रिव्यू करेंगे लैक्टो कैलामाइन की सनस्क्रीन का। मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ इसके बारे में, इंक्लूडिंग इट्स टेक्चर, किस तरह से आपके इस फेस पे ये दिखती है, इसी के साथ ही इसमें क्या क्या प्रोज हैं, कॉन्स क्या है, कौन वो सेक्शन ऑफ लोग हैं जिनके लिए बेनिफिशियल रहेगी या कौन वो लोग हैं जिनके वो नहीं लेनी चाहिए। सो इफ यू न्यू हियर देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सीधा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विल स्टार्ट फ्रॉम द पैकेजिंग। इट कम्स फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड परिमल, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन्स एंड लोशंस बनाती रहती है, और इसी की ही ये पर्टिकुलर लैक्टो कैलामाइन भी आती थी। और जिन लोग के एक्ने हैं वो लोग ने जरूर लैक्टो कैलामाइन लगाई होगी, स्पेशली मैंने तो अपने कॉलेज के दिनों में लगाई थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप अभी लगा रहे हैं लैक्टो कैलामाइन या नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम इसके पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस। ओके, पैकेजिंग है, फ्लिप कैप के साथ ये आती है और ट्रैवल फ्रेंडली ये सनस्क्रीन है। 50 ग्राम्स का जो आपको ट्यूब देखने को मिलता है, 199 रुपीस का देखने को मिलता है। इजी टू कैरी है, कहीं पे भी आप इसे डाल के ले जा सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द टेक्सचर। द टेक्सचर लुक्स लाइक द ओरिजिनल, आपका जो लैक्टो कैलामाइन आता था उसी तरह का टेक्सचर आपको देखने को मिलता है एंड ईजिली ब्लेंड हो जाता है और कोई भी वाइट कास्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये जो टेक्सचर है पर्टिकुलर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जिनकी जो स्किन टाइप है बहुत ज़्यादा ऑयली है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इसमें कॉलिन क्ले पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब भी होता है और आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल भी करता है, और एक्सेस ऑयल के कारण जितने भी आपको पिंपल्स देखने को मिलता है उसे भी कम करता है। ये सेम फॉर्मुलेशन है जो कि आपको लैक्टो कैलामाइन में देखने को मिला था। नाउ इसे अप्लाई कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। आपको तीन फिंगर जितनी अप्लाई करनी है, कम से कम इतनी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और इसी के साथ ही अपने गर्दन को ज़रूर कवर कीजिएगा बिकॉज बहुत से लोग गर्दन को नहीं कवर करते। इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना, आपको ओरिजिनल जो लैक्टो कैलामाइन आप लगाते थे वैसी ही आएगी। थोड़ा सा शुरुआत में आपको वाइट वाइट लग सकता है बिकॉज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो इसमें पड़ा है, लेकिन ये एक बार लग जाती है ना तो ये ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है और फिर आपको बिल्कुल भी वाइट कास्ट देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आप देख सकते हैं ईजिली अब्जॉर्ब होनी शुरू हो चुकी है। एंड डोंट वरी अबाउट द वाइट थिंग, वो अपने आप चला जाएगा थोड़ा टाइम बाद। सो यार गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे तो कहीं से भी वाइट कास्ट लग नहीं रहा है। मैं पास से भी दिखा देता हूँ आप लोग को, सो यू विल गेट द आइडिया। सो यार, दिस काइंड ऑफ लुक यू विल गेट, एंड इसमें आपको बिल्कुल भी ऑयल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ चिपचिपी चीज लगा ली, बिकॉज इसमें कॉलिन क्ले पड़ी हुई है जो कि आपके एक्स्ट्रा ऑयल को सक करके रखती है और आपकी स्किन को एक मैटिफाइंग लुक देती है। एज यू कैन सी माई स्किन लुक्स ग्लोइंग, एंड जस्ट अगर मुझे लगता है तो थोड़ा सा एक पाउडर का डैप लगता है, मतलब हल्का सा आप डैप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कहीं लगता है कि हल्का सा पैची हो रहा है तो वहां पर आप डैप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इट लुक्स परफेक्टली फाइन। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन थिंग, इसमें आपको SPF 50 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है विद PA ट्रिपल प्लस की रेटिंग के साथ। इसमें आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसा फिजिकल फिल्टर देखने को मिलता है जो कि आपकी UV रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अलाउ नहीं करता कि वो पेनेट्रेट करें। इसमें आपको ऑक्सीटेनुएट भी देखने को मिलता है जो कि UVA रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। इसमें आपको एवेबेंजोन भी देखने को मिलता है जो कि आपके UVB रेडिएशन को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। जहां तक प्रोटेक्शन की ड्यूरेबिलिटी की बात है तो 2 से 3 घंटे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल बी गुड टू गो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही जिन लोगों के एक्ने के मार्क्स भी है ना, तो उनको हल्का सा आपको कवरेज देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें एक पिंक टिंट है जो कि हल्का सा आपको कवरेज देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देती, और बहुत ज़्यादा कवरेज की उम्मीद भी मत करिएगा क्योंकि ये BB क्रीम नहीं है, ये एक सनस्क्रीन है, ठीक है। इसमें हल्का सा पिंक टिंट आपको देखने को मिलता है जो कि आपको लैक्टो कैलामाइन में भी देखने को मिलता था, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग की वो फेवरेट थी, इंक्लूडिंग मी, एंड जिनके एक्ने थे एंड एक्ने के मार्क्स थे, क्योंकि यार वो ना आपके एक्ने तो सही करती थी, साथ के साथ ही आपके एक्ने के मार्क्स को भी छुपा देती थी एक तरह से। सो यू विल गेट 2-in-1 प्रोटेक्शन। दैट टाइम जब मैं कॉलेज में था तब मेरी फेवरेट थी, और वही चीज़ मुझे इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन में भी मिल रही है। गाइस, इसमें आपको लेमन एक्सट्रैक्ट भी देखने को मिलता है जो अगेन आपके दाग धब्बों पे काफी अच्छा असर करता है। सो इफ यू आर समवन जिनके एक्ने हैं, जिनके एक्ने के मार्क्स हैं, यू शुड कंसीडर दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन। इसी के साथ ही जान लेते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। द प्रोज आर, देखो इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके दाग धब्बों पे काम करेगा। सेकंड, कॉलिन क्ले है जो कि आपके ऑयलीनेस पे काम करेगी। थर्डली, SPF 50 विद PA ट्रिपल प्लस की रेटिंग आपको देखने को मिलती है। बजट फ्रेंडली है, मतलब अगर कोई टीनेजर देख रहा है इजिली अफोर्ड कर सकता है। इसी के साथ ही इसमें कोई भी वाइट कास्ट देखने को नहीं मिलती, और लगभग हर एक स्किन टाइप के लोग इसे लगा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर ड्राई स्किन टाइप पीपल। एंड व्हाट आर द कॉन्स, आई रियली डोंट लाइक द पैकेजिंग। वैसे भी पैकेजिंग से वैसे करना क्या है, हमको तो सनस्क्रीन लगानी है, लेकिन फिर भी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आई रियली डोंट लाइक द पैकेजिंग, इट कैन बी इम्प्रूव। सेकेंडली, जिन लोग की ड्राई स्किन है वो इसे ना ही लगाएं तो, या फिर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उनकी जो स्किन है वो ड्राई कर सकती है। और इसी के साथ ही अगर आप इसे रेटिनॉल के साथ लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी स्किन और ड्राई हो जाए, बिकॉज
रेटिनॉल अपने आप में स्किन को ड्राई करता है, और अगर आप उसके ऊपर ऐसी सनस्क्रीन लगाएंगे तो ऊपर से और ज्यादा ड्राइनेस आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो यार मुझे एक महीना हो गया इसे लगाते हुए और मुझे तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मुझे कहीं पे भी जाना होता है इंक्लूडिंग माई शूट्स, या कहीं पे भी जिम जाना होता है तो मैं इसे लगा के चला जाता हूँ। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इसे लगा के जिम जाएंगे या वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने जाएंगे तो ये निकल जाएगी, आपके पसीने में निकलती है, और पानी का जब स्प्लैशेस वगैरह पड़ते हैं तो हल्की बहुत निकल जाती है। सो इट्स नॉट वेरी वाटर रेजिस्टेंट, लेकिन काम आपका चल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन से आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक आधा केस अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये आपको सूट ही करेगी। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू गिव अ थम्स अप, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लैक्टोकैलामाइन या इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन को, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा काम कर रही है आप लोग के लिए, यार मुझे प्लीज बताइए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।